नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू सोवाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सबका स्वागत। आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पिछली ई क्लास में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया और आदर्श राज्य के बारे में उसने क्या सोचा, क्या उसने अपने रिपब्लिक में बताया, इन सब के बारे में हमने पिछले ई क्लास में समझा और जाना। आदर्श राज्य क्यों और किस प्रकार से लाना चाह रहा था प्लेटो, उसके बारे में उसने अपने रिपब्लिक में बताया। लेकिन दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो अपने जीवन काल में ही नहीं, अपितु जैसा वो आदर्श या दार्शनिक राजा की सोच या कल्पना की थी, ऐसा राज्य आज तक कहीं भी विश्व में स्थापित नहीं हो पाया। और स्वयं प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी लॉज में कानूनी राज्य की बात करने लगा आदर्श राज्य के स्थान पर। तो इसी संदर्भ में हम आज जो आदर्श राज्य की कमियां हैं या उस आलोचनाओं के रूप में जो बात कही जाती हैं, उनके बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आदर्श राज्य में क्या कमियां थी और क्यों नहीं वो वर्तमान में या तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में स्थापित हो पाया। इसके बारे में स्वयं प्लेटो भी अपनी पुस्तक में मानता है और कहता है कि प्लेटो केवल स्वप्न लोकीय है आदर्श या दार्शनिक राजा की बात करता है, उसका यथार्थ से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहा है। प्लेटो के आदर्श राज्य को एक ऐसा स्वप्न लोकीय राज्य कहा जाता है जिसकी स्थापना इस धरती पर संभव नहीं है और स्वयं इस बात को वो स्वीकार स्वयं भी कर लेता है। पहली आलोचना या कमी के रूप में जो बात आती है वो है कि स्वतंत्रता का निषेध। चूंकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में आदर्श राज्य को इतना प्रभावी या नियंत्रणकारी करता है कि इसमें नागरिकों या व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और ये अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता है। पहली आलोचना स्वतंत्रता का निषेध है। स्वतंत्रता का निषेध इस रूप में भी है क्योंकि दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य में जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है वो ही राजा बनेगा। दूसरे व्यक्ति जिसमें प्रतिभा भी हो उसको वो मौका नहीं दिया जाएगा और वो सारी चीज़ें राज्य के नियंत्रण में रहेंगी। इसलिए इसमें इसके आलोचना में यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें निषेध होगा। दूसरी जो आलोचना बताई वो है कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित। चूंकि प्लेटो कहता है कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की या प्रवृत्ति की अधिकता हो या योग्यता हो या उसमें विलक्षणता हो उस व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के समा एक
पूरे जीवन काल में एक समान ही जैसे योग्यता या विशेषता उसमें हो, कई सारी बहुमुखी विशेषताएं या प्रतिभाएं होती हैं जो कार्यात्मक विशेषण की पद्धति के खिलाफ हैं। कार्यात्मक पद्धति में प्लेटो बताता है कि जो व्यक्ति जिस लायक है उसको वही काम करना चाहिए बिना किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप के। इस संदर्भ में कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्ति का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्ति अप्रभावित व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है। हम यह कह सकते हैं कि प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सैनिक है या जिसमें शारीरिक क्षमता ज़्यादा है वो केवल एक सैनिक बनकर रह जाए और दूसरे कार्य नहीं करे, ऐसा राज्य के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो उसका चहुमुखी या बहुमुखी प्रतिभा का वो प्रयोग नहीं कर पाएगा और समाज उससे वंचित रहेगा। इसलिए कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति भी अनुचित बताई गई है। तीसरी आलोचना है व्यक्ति व राज्य की समानता को अधिक महत्व। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की योजना में राज्य व व्यक्ति की समानता को अत्यधिक व अनावश्यक महत्व दिया है। मानवीय आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को तीन वर्गों में बांटना वस्तुई स्थिति से निश्चित रूप से भिन्न और अव्यवहारिक है। व्यक्ति व राज्य में इस प्रकार की समानताओं के निरूपण के अनेक निरूपण से अनेक शंकाएँ उत्पन्न होती हैं। ये एक आलोचना के रूप में इस रूप में है कि व्यक्ति को तीन वर्णों में या वर्गों में बांटना व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक सीमा में बांधना है जो अव्यवहारिक है। इस रूप में ये असमानताओं को जन्म देता है, इसलिए आदर्श राज की आलोचना इस रूप में की जाती है कि व्यक्ति के राज व्यक्ति व राज्य की समानता को अधिक महत्व दिया गया है इसमें। नंबर चार पर जो आलोचना बताई गई है वो है उत्पादन वर्ग की घोर उपेक्षा। चूँकि आदर्श या दार्शनिक राजा शासन करेगा, उसके नियंत्रण में ही सारे कार्य होंगे, व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं जा पाएगा, सैनिक वर्ग भी उसके अनुसार ही काम करेगा, उत्पादक वर्ग को कहीं भी कोई ऐसा अवसर दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य में नहीं है जिससे वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए या संपूर्ण समाज के लिए कुछ और कर पाए। इस संदर्भ में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना में कहते हैं, प्लेटोवादी आदर्श राज्य की आलोचना का प्रमुख आधार यह भी है कि इसमें उत्पादन वर्ग की उपेक्षा की गई है। वह अन्य दोनों वर्गों के समान इनके लिए न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। उत्पादक वर्ग की यह उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। प्लेटो इस बात को तो स्वीकार करता है कि निम्न वर्ग के उत्पन्न व्यक्ति निम्न वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए समुचित व्यवस्था की बात नहीं करता है। वो इस बात की तो उत्पादक वर्ग को छूट देता है कि वो अपनी योग्यताओं के आधार पर उच्च वर्ग में शामिल हो जाए, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, उसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी, इस बारे में प्लेटो अपने रिपब्लिक में या दूसरे अन्य ग्रंथों में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं देता है और इसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा ही होती है। अगली जो आलोचना या इसकी कमी है वो शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता स्थापित हो जाएगी, ऐसे आलोचकों का मानना है और ये सही भी है
कि जब व्यक्ति या शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है तो निरंकुश हो जाता है, और जब सत्ता आती है तो व्यक्ति को सत्ता भ्रष्ट करती है, पूर्ण सत्ता या निरंकुश सत्ता आ जाती है तो वो पूर्णतया उसको भ्रष्ट कर देती है। इस संदर्भ में प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों व नियमों का पूर्ण रूप से अभाव है। इसमें सारी सत्ता दार्शनिक शासकों को सौंप दी गई है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इनको शिक्षा द्वारा कितना ही विवेकशील क्यों न बना दिया जाए, पर अनियंत्रित शक्ति पाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार उसमें दोष आना स्वाभाविक है। ये सही है कि जब अनियंत्रित शक्ति किसी व्यक्ति में आ जाती है बिना किसी नियमों के, तो उसमें दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस आधार पर बारकर ने कहा है कि दार्शनिक शासन का सिद्धांत प्रबुद्ध निरंकुशता का सिद्धांत है, मतलब बुद्धिमानों की निरंकुशता का सिद्धांत है, ऐसा बारकर ने कहा है आलोचना के रूप में। अगली आलोचना है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की योजना में कई महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा की है। उनके द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंधन और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्थाओं का कोई वर्णन नहीं किया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के अभाव में एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन कठिन प्रतीत होता है। ये इस आलोचना में शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। शासन करने के लिए किसी भी राज्य को या किसी भी एक व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारे कानूनों की, अन्य सरकारी पदाधिकारियों न्याय के लिए हों, अपराधियों को दंड के लिए हों, इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका चयन कैसे होगा, इस बारे में वो कुछ नहीं बताता है। इस प्रकार शासन एक अधूरा शासन भी कह सकते हैं कि इसमें कई सारी कमियां जो व्यवहारिक रूप से आएंगी समस्या, उनके बारे में प्लेटो कुछ भी नहीं कहता है। दास प्रथा के संबंध में अगली आलोचना के रूप में है कि दास प्रथा के संबंध में प्लेटो मौन है, वो इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। आदर्श राज्य की धारणा का सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो ने तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण, चूंकि नगर राज्यों में दास प्रथा प्रचलन में थी, सरकारी दास और सामाजिक दासता, दो प्रकार की दासता की बात अरस्तु भी करता है, और उस तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में दास प्रथा थी, लेकिन तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण दास प्रथा के बारे में प्लेटो कुछ भी नहीं कहता है। इसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे वो अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करता है, यानी कि दास प्रथा के संबंध में प्लेटो कुछ भी नहीं कहता है कि आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था में दास प्रथा के बारे में क्या योजना है, क्या प्लान है। इस संदर्भ में यह है कि वो अपने इसे अर्थ निकलता है कि वो दास प्रथा के समर्थन में है, जो कि कानूनी सामाजिक रूप से सही नहीं है। इन सब आलोचनाओं के अलावा उनके प्रिय शिष्य अरस्तु ने भी प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा की आलोचना की है, जो इस प्रकार है। प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि साम्यवादी योजना केवल आदर्श राज्य की स्थापना या दार्शनिक राज्य की प्राप्ति के लिए की गई है। इसलिए वो कहता है कि ये योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरी आलोचना के रूप में अरस्तु बताते हैं कि प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता विचार राज्य के लिए विनाशकारी है, क्योंकि राज्य की प्रवृत्ति का मूल तत्व ही बहुलता है। राज्य में पूर्ण एकता
का विचार राज्य के लिए विनाशकारी है, क्योंकि राज्य की प्रवृत्ति का मूल तत्व ही बहुलता है। अनेकता में एकता का भी हम इसमें कह सकते हैं कि जब एक विचार ही राज्य के में रहेगा तो वो शायद प्रगति नहीं कर पाएगा और अंत में उसका विनाश शुरू हो जाएगा और अंततः वो विनाश उसका निश्चित है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की घोर उपेक्षा की है। अगले आलोचना में अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में निम्न वर्ग की घोर उपेक्षा की है, जो किसी भी राज्य की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है। यह उपेक्षा समाज को दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर देगी। प्लेटो का कहना सही है कि जो जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है उसकी उपेक्षा प्लेटो के आदर्श राज्य में की गई है, जिसको उत्पादक वर्ग भी कहा जा सकता है, और ये जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग होता है। इस तरह से राज्य परस्पर दो विरोधी वर्गों में या भागों में बंट जाएगा और वो राज्य के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, या आदर्श राज्य की धारणा का क्या महत्व है अथवा नहीं है। इस संदर्भ में हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। उपयुक्त आलोचनाओं के अतिरिक्त प्लेटो के आदर्श राज्य पर सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि प्लेटो स्वप्न दृष्टा थे और रिपब्लिक में वर्णित राज्य का एक ऐसा स्वप्न लोकीय शासन है जिसकी स्थापना इस धरती पर कभी भी नहीं हो सकी। स्वयं प्लेटो ने स्वीकार किया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है, किंतु इन सब के बावजूद भी आदर्श राज्य की धारणा मात्र काल्पनिक नहीं हो सकती, ऐसा कहा है। बार्कर के अनुसार प्लेटो रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल किन्हीं पहले से कल्पित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए हैं, वरन यूनानी राज्यों में या यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। रिपब्लिक वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। रिपब्लिक की 8वीं तथा 9वीं पुस्तक में तत्कालीन यूनान की शासन प्रणाली स्पार्टा का वर्गतंत्र और कीर्तितंत्र तथा एथेंस के लोकतंत्र और सिराक्यूज के निरंकुश शासन का उल्लेख प्लेटो ने अपने रिपब्लिक के आठवें और 9वीं पुस्तक में किया है। प्लेटो की दृष्टि में ये सभी विकृत शासन प्रणालियां हैं, क्योंकि इसमें विवेक पर अज्ञान व वासना के तत्वों की प्रधानता थी। प्लेटो इन शासन व्यवस्थाओं का निदान चाहता था और बताता है कि शासन में विवेक की सर्वोच्च स्थान दिया जाए और एक नई शिक्षा व्यवस्था का वह साम्यवाद की व्यवस्था द्वारा वासना व उत्साह को विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए तो शायद कुछ शासन व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है। रिपब्लिक की 7वीं पुस्तक में बताता है कि विभिन्न विषयों की शिक्षा उसकी अकादमी में वास्तव में दी जाती थी। उसके साम्यवाद की प्रणाली भी स्पार्टा तथा अन्य राज्यों में बहुत कुछ अंशों में पाई जाती थी। जब साम्यवाद संबंधी विचारों की जानकारी हम ले रहे थे या उसके बारे में हम बात कर रहे थे तो प्लेटो ने साम्यवाद का कोई मौलिक विचार नहीं है उनका, स्पार्टा और एथेंस में सामूहिक भूमि का एक जो परंपरा थी वो देखी गई है या उस समय के शासन व्यवस्था नगर राज्य में थी, और एथेंस में
और दूसरे अन्य एक राज्यों में स्त्रियों को भी अच्छी संतान प्राप्ति के लिए पति अपनी स्त्री को दूसरे व्यक्तियों को दे देते थे। तो साम्यवाद की जो कल्पना या बात आदर प्लेटो ने बताई है वो कोई उसका मौलिक विचार नहीं है। ये कुछ हद तक वहाँ के नगर राज्यों में पहले से प्रचलन में थी। प्लेटो को महज एक कल्पनावादी न कहने का आधार यह भी है कि प्लेटो ने तत्कालीन राजनीति की बुराइयों को स्वयं ने देखा और अनुभव किया व भोगा भी, तथा इस स्थिति में क्रियात्मक सुधार करने की तीव्र इच्छा उसके मन में जागी और इसके बारे में उसकी व्यवहारिकता इस बात से सिद्ध होती है कि उसने साम्यवाद की व्यवस्था संपूर्ण राज्यवासियों पर लागू न करके केवल दार्शनिक तथा सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखी थी। उसका आदर्श राज्य पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर वस्तुतः गहरा प्रभाव डालता है और रिपब्लिक की नवीं पुस्तक के अंत में लिखता है कि मेरे विचार में पृथ्वी पर ऐसा नगर राज्य कहीं पर भी नहीं है, इसका नमूना स्वर्ग लोक में ही स्थित है। तो कल्पना तो नहीं कह सकते, महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी शासन व्यवस्था जो बुद्धिमान और विवेक और साहस के साथ अगर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए तो शायद वो शासन व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था होगी, ऐसा प्लेटो का विचार था। लेकिन अंततः वो भी स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा शासन इस धरती पर संभव नहीं है, ये नमूना केवल स्वर्ग लोक में ही देखा जा सकता है। इस प्रकार से प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी जो विचार थे उसकी विशेषता के रूप में, उसकी क्या व्यवस्था होगी उसके रूप में और आलोचना और उसके महत्व के रूप में हमने इसका अध्ययन किया। इस क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।